स्वर की मल्लिका, भारत रत्न एवं हर भारतीय की चहेती लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं रहीं। उनका मुंबई के एक स्थानीय अस्पताल में देहांत हो गया है। बता दें, लता मंगेशकर जी को जनपद वाराणसी में उनके प्रशंसकों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई है। बता दें, कोरोना नामक इस बहुरूपिया वायरस ने आज इस देश की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को हम लोगों से छीन लिया है। इस दुखद घटना के बाद पूरा देश शोक की लहर में डूबा हुआ है। इनके देहांत के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। वहीं पूरे देश भर में स्वर कोकिला को उनके प्रशंसक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी क्रम में जनपद वाराणसी के लोगों ने भी अपनी चहेती गायिका को श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें, कोरोना वायरस से पीड़ित होने के बाद लता मंगेशकर पिछले एक महीने से अस्पताल में भर्ती थीं और इस दौरान उनके स्वास्थ्य में काफी उतार चढ़ाव देखे गए। अंततः आज उनका देहांत हो गया। सर, आज श्रद्धांजलि दिया है आप लोगों ने, किनको श्रद्धांजलि दिया है और कितना ये दुखद क्षण है? देखिए, आज जब भी समाचार आया कि लता जी हमारे बीच नहीं रहीं, तो एक शोक की लहर पूरे देश पे है और हमारे देश की स्वर सामग्री स्वर साम्राज्ञी हैं लता जी। वो सुर और संगीत की साधना में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनके गाए हुए गीत हर भारतीय को देश प्रेम की भावना और ऊर्जा से लगातार प्रेरित करते रहे हैं और उनके जाने के बाद भी उनके जो गीत हैं वो हम सबको प्रेरणा और ऊर्जा देते रहेंगे। हमारी विनम श्रद्धांजलि है। आज आप लोगों ने क्या किया? आज हम लोगों ने यहाँ बनारस में, ये उत्तरी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर हम लोगों ने सारे जो कॉलोनी के निवासी हैं सब लोगों ने मोमबत्ती के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करके अपनी भावभरी श्रद्धांजलि लता जी को समर्पित की।